बिल्डिंग मजदूर यूनियन बिहार पटना मुन्ना चक पटना बिहार कार्यालय में सभी मजदूर यूनियन के नेतागण और मजदूर बैठे हुए हैं और आज इन लोगों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या है क्योंकि बालू नहीं मिल रहा है और दूसरी ओर बालू माफियाओं पर सरकार की ओर से शिकंजा कसा जा रहा है। बहुत सारे बालू माफिया गिरफ्तार हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बालू की कमी के कारण बालू संकट के कारण भवन निर्माण कार्य पटना में लगभग बंद सा है बंद हो गया है और मजदूरों के सामने रोजगार नहीं होने के कारण भुखमरी की स्थिति हो गई है। लोग रातों में दिन भर खुद मजदूर और उनका परिवार भूखे सोने को विवश हैं। ठाकुर जी नमस्ते। आज मजदूरों के सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है। आज हम लोग दूसरी ओर 17वां स्वतंत्रता दिवस भी मना रहे हैं। ये मजदूरों की समस्या के बारे में कुछ बताएं ठाकुर जी। ये बिल्डिंग मजदूर यूनियन का एक कार्यालय है और आज 15 अगस्त के अवसर पर यहाँ स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराया गया और इसी बगल में चौराहे पर सैकड़ों मजदूर खड़ा रहे काम की तलाश में, लेकिन सवेरे चूंकि पानी पड़ गया, पानी पड़ने के चलते आज काम ऐसे भी बंद रहा। और अभी जो बालू संकट जो आ गया है बिहार में, बालू संकट के चलते पूरा कंस्ट्रक्शन का काम ठप है और जो भी लोग हैं बिल्डिंग लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, राजमिस्त्री हो चाहे जो भी हो, सभी लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। अब आप और उन लोगों से बात कर लीजिए, ये लोग क्या कहते हैं बालू संकट। हाँ वीरेंद्र जी बोलिए। हाँ अभी हमें बिल्डिंग मजदूर यूनियन ऑफिस से मुन्ना चौक से बोल रहा हूँ। यहाँ बालू के कमी के कारण जितना कंस्ट्रक्शन होना था बिहार राज्य में वो तमाम कंस्ट्रक्शन लगभग बंद होने जा रहा है। कुछ चल भी रहा है तो राम भरोसे वो कब बंद हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ यहाँ जो है मजदूर लोग बहुत भरे हुए हैं और वो लोग अंत में भूखे मरने की स्थिति में है। ऐसा हालत में बिहार सरकार और एवं प्रधानमंत्री से आग्रह किया जा रहा कि लोग जल्द से जल्द समस्या को सलटें ताकि गरीब मजदूर जीवित रहे, अन्यथा ये लोग बाध्य होकर कर रोड जाम सड़क जाम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए कि इनको मरने की स्थिति में है। इसीलिए सरकार को सुना जाए, सरकार हमारी आवाज़ को सुने, इन गरीबों का आवाज़ की सुने और जल्द से जल्द इसका निराकरण करें। धन्यवाद। धन्यवाद शिवजी। आप अध्यक्ष हैं, आप बताइए कि बालू संकट है, कैसे ये लोग भुखमरी कैसे ख़त्म होगी, रोजगार बेरोजगार हैं मजदूर। आज जो है हमारे निर्माण मजदूरों पर एक पहाड़ जैसा टूट पड़ा है और बालू का जो है बंदी के कारण जो है बिल्कुल मजदूर लोग जो है काम ठप है, भुखमरी के कगार पर है। इसका निराकरण सरकार जल्द नहीं करती है तो निश्चित तौर पर बिल्डिंग मजदूरियन के लोग मजदूरों को इस तरह से तड़पते हुए नहीं देख सकता है और निश्चित तौर पर यूनियन के तमाम साथियों को मिलकर जो है एक बड़ी आंदोलन करने का विचार बन रहा है। मैं बता देना चाहता हूं कि पूरे बिहार में जो है 10 लाख निर्माण मजदूर है। अगर ये स्थिति रहा बालू का तो निश्चित तौर पर जो है हमारे पूरे मजदूरों में आक्रोशित होकर जो है आंदोलित करेगा, जिसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि मैं सरकार से मांग करता हूं इसे शीघ्र जो है समाधान करें, और नहीं तो यूनियन के लोग और निर्माण मजदूर लोग जो है बाध्य होकर जो है सड़क पर उतरने का काम करेगा, आंदोलन करेगा और सरकार को जो है काम बाधित करने का काम करेगा, आंदोलित करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इसे जल्द निपटारा करें और मजदूरों को समस्या समाधान करें। शिव जी ये बताएं कि बालू संकट जो आज है बिहार में, इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? इसे जिम्मेदार जो है सरकार के लोगों को मानते हैं, क्योंकि यह जो है सरकार के लोगों के द्वारा ही जो है यह संकट पैदा किया गया है और इससे पूर्व में भी हुआ था, पूर्व में हुआ फिर चालू हुआ फिर पुनः हो गया, इस तरह से मजदूर लोगों को जो है भुखमरी के कगार पर उतरा हुआ है। इसलिए बाध्य होकर जो है मजदूर लोग जो है निर्णायक निर्णय लेगा और आंदोलन करेगा। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे मजदूर भाई में एक आक्रोश जागृत हो रही है। लाखों लाख मजदूर जो हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, इसके चलते हो सकता है
कि हमारा यूनियन एक बहुत बड़ा कदम उठाने, सरकार के विरोध एक बहुत बड़ा कदम उठाने का ये बाध्य हो रहा है। जिम्मेदार किसे मानते हैं ये जो समस्या बालू संकट? इसका जिम्मेदार पूर्णतः प्रशासन। आज जो बालू माफिया पर जो नकेल कसा जा रहा है, ये आखिर इसको छूट किसने दिया? प्रशासन के तरफ से इसे छूट मिली, खुली छूट मिली, और इस पर कोई अंकुश नहीं रखा गया। आज सरकार एकाएक इसको जो ठप कर दिया, इसके लिए आखिर मजदूर तो हमारा दोषी है नहीं, दोषी तो प्रशासन और सरकार ही है, और इसका भोग्य जो है यह मजदूरों पर पड़ रहा है बहुत बड़ा। इसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं। और इस समस्या के कारण तो बहुत सारे गरीब लोग भी अपना घर नहीं बना सकते बालू संकट के कारण। गरीब लोग अपना घर तो बहुत कम बनाते हैं, लेकिन अपने पेट भरने के लिए दूसरों का घर बनाते हैं जो मजदूर है। वो मजदूरी कर करके वहाँ जो अपने बाल बच्चों का जो परवरिश करते हैं वो पूर्णतः रुक गया है, जिसके चलते इसका दोष अब किस पर मढ़ा जाए ये तो सरकार को समझना चाहिए। हमारे चुनी हुई सरकार इस जिम्मेवारी को ले और जितनी हो सके तत्परता से इसका निदान करें। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? राम सागर महतो, उपाध्यक्ष बिल्डिंग मजदूर यूनियन। धन्यवाद। आप क्या कहें? मैं राजा राम हूँ, लेबर के काम करता हूँ। बालू नहीं है, बाल बच्चा भूख मर रहा है, अपने भगा रहे हैं, ये सब सरकार की कमी है। सरकार बालू नहीं दे रहा है, हम लोग रोड पर ढनक रहे हैं, और क्या कहें। हमारे मजदूर की क्या दोष है? नेता और लोग मिले हुए हैं, प्रशासन मिले हुए हैं, तब ना माफिया लोग मनमानी कर रहा है। यदि नेता और प्रशासन मेरा टाइट हो जाए तो पत्ता भी नहीं हिलेगा, लेकिन यहाँ का जितने भी प्रशासन है ऊँचे ऊँचे पद वाले सब जो है महा डकैत हो रहे हैं, और नेता तो भारी डकैत है। ये दोनों मिल के सारे काम कर रहे हैं, आज तक हो गया मेरा मजदूर भोग रहा है। इसलिए सरकार इसका निरक्षर निराकरण करे, इसके पहले भी निराकरण हुआ था और फिर निराकरण करे, अन्य तो इस हालत में मेरा मजदूर रोड पर उतर जाएगी और जितने भी गाड़ी मोटर जितना पुलिस ऑफिस सारा ठप पड़ जाएगा। मेरा मजदूर जिस दिन आंदोलन पर उतरेगा उस दिन किसी का कुछ नहीं चलेगा। मैं बिल्डिंग मजदूर बिहार सचिव बोल रहा हूँ। अपना नाम बताएं? देवकाल प्रसाद। धन्यवाद। आप कुछ लाल बाबू बोल रहे हैं, मार्बल का काम करते हैं। बालू के चलते जो है से सारा काम बंद है, बाल बच्चा जो है से भूख मर रहा है। आज भी मजदूर लोग जो है से करीब 5,000 सुपर जो है से मजदूर लोग जो है से बैठे हुए हैं मुन्ना चौक चौराहा पर, कोई के काम नहीं मिल रहा है और सबको बाल बच्चा जो है से खाए भी जो है से ही हो रहा है। सरकार जो है से जल्द जो है से बालू का कोई सावधान करे कि जो बाल बच्चा का जो है से मजदूर लोग कमा के जो है से अपना बच्चों को पेट जो है से भरा जाए। जरा जोर से बोलेंगे अपना नाम? लाल बाबू नाम है। धन्यवाद। ठाकुर जी, ये जो बालू संकट है जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? देखिए वैसे तो जिम्मेवार ये जो संकट है कोई नया नहीं है, इससे एक बार पहले भी हुआ था, फिर दोबारा ही शुरू हुआ है, लेकिन लगता है ये उससे बड़ा है ये संकट। देखिए बालू माफिया बालू माफिया बालू माफिया बालू माफिया को किसने बढ़ाया? सरकार और प्रशासन के लोग बालू माफिया से मिल रहे मोटी रकम लेते रहे और नतीजा है कि पहले खुशड़ी था भगंदर हो गया और उसका नतीजा आज गरीब गुरबा लोग जो बिहार के लाखों मजदूर हैं कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले निर्माण में काम करने वाले उनको भोगना पड़ रहा है। क्योंकि ACTC में बैठने वाले लोग पदाधिकारियों को तो पता चलता नहीं है, एक खनन विभाग और विभिन्न विभाग के बीच जो है तालमेल नहीं है और ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं पदाधिकारी लोग व्यवहारिक जिनको जानकारी रहती नहीं है और वो केवल जो है केवल पैसा वसूलने में लगे रहते हैं और लोग कहते हैं कि सरकार के यहाँ मोटी रकम लोग पहुँचाते हैं। अब कौन पहुँचाते हैं कौन क्या करते हैं हम लोग तो जानते नहीं हैं। मजदूर को क्या मालूम है, मिस्त्री को क्या मालूम है, जो मजदूर को तो मजदूरी का भी सब फुर्सत नहीं है। इसलिए हम आज इस मौके पर हम ये मांग करना चाहते हैं बिहार सरकार से और ख़ास करके भारत सरकार से भी, क्योंकि पहले तो बहाना था कि बिहार सरकार अलग है भारत सरकार अलग है, लेकिन अब तो एक ही सरकार है, जो सरकार भारत में है वही सरकार बिहार में है।
तो इसीलिए दोनों सरकार मिल करके एक सरकार जो बनी है उससे निवेदन है मेरा कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें, बालू संकट को का समाधान करें, और नहीं तो लाखों मजदूर पूरे बिहार में सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार और प्रशासन की होगी। धन्यवाद ठाकुर जी। धन्यवाद।